हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, मैं ना एक्चुअली खाली बैठी हूँ, कोई पूजा उजा तो ले नहीं रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को क्यों ना छोटे छोटे उपाय बता दूँ, तो अपने बैठे बैठे छोटे छोटे उपाय बता दूँ जिससे कि आप लोग भी पूजा पाठ करके लोगों को बराबर कर सको। अभी जैसे मैंने बोला था ना दुश्मनों के लिए, तो एक है कि दुश्मन को पागल करने का एक छोटा सा मंत्र। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, दुश्मन को ऐसा पागल कर दो कि वो अपने आप में ही बिजी रहेगा, आपका बुरा सोचेगा ही नहीं, आपका बुरा सोचने के पहले वो अपने आप में ही बिजी रहेगा। कुछ कुछ लोगों को ना वो चर्बी रहती है, क्या करेंगे मालूम है, अपने काम में कम ध्यान देके आपके काम में ज़्यादा ध्यान देंगे। आप क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हर जगह इन्फॉर्मेशन देना, इंक्वायरी करना, आपके पीछे जासूसी करना और हर किसी को बातें बताना, मतलब घर के सामने से घूमना। जैसे कि मेरे घर के सामने से भी एक काला तवा घूमता है, कोई मेरा भाई था, वो उसका नाम ना उसका काला डोसा नाम रखा था, और वो काला डोसा ना डेली नींबू कलर मतलब नींबू फ्लेवर बन के हमारे घर के सामने से घूमती रहती है। तो ऐसे लोग को ना शर्म नहीं आती, वो लोग ज़बरदस्ती भिड़ने के लिए, झगड़ा करने के लिए कि मतलब ये मुझे टोके रोके तो मैं इससे लड़ूँ। हम तो रोक नहीं सकते, मेरा घर रोड पे है। मैं इसके लिए बताना चाहती हूँ कि उसको पागल को भी, अगर वो मेरा वीडियो देखते हो, उसको मैसेज देना चाहूँगी कि लास्ट टाइम जब हमने उसके घर पे बंदों को भेजा था, मेरी महिला मंडल उसके घर पे गई थी उसको मारने के लिए, तब उसको पता नहीं है कि मेरे उसी खास बंदे ने उसके लिए रिक्वेस्ट की थी कि वो एक पागल है, उसको उसके बात पे ज़्यादा ध्यान मत दो, उसकी कुछ भी नहीं, वो पागलगिरी में कुछ भी करती, उसको माफ़ कर दो, अगर तुम मुझे थोड़ा भी मानती हो तो उसको माफ़ कर दो, क्यों ना। और यहाँ तक कि मेरे घर पे भेजा जा रहा था कि मैं अपनी तुम्हारे घर पे भेजता हूँ, तुमसे बात करेगी, सॉरी बोलेगी, तुम बीच दोबारा तुम्हारे बीच में नहीं आएगी, अगर तुम मुझे थोड़ा भी मानती हो तो माफ़ कर दो। जिस खास बंदे के लिए बोलती हूँ ना, वो खास बंदा इतना अच्छा है कि वो उसकी बुरा करती तो भी उसके लिए मुझसे माफ़ी मांगा था कि माफ़ कर दो, जाने दो, उसको बीच में मत घसीटो, नहीं तो उस पर भी अभी तक एक केस फाइल हो के अब तक वो भी जेल में होती थी। लेकिन उस पागल को ये बात पता नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि ना, अब वो क्या काला ढोसा है, उसके ऊपर कोई थूकता तो है नहीं, तो उसका ढोसा तड़प रहा है, क्या करेगी वो, कोई ढोसे को खाने जा नहीं रहा है, तो वो पागल हो रही है, उसको ये बात ही पता नहीं, वो जिसके लिए बुरा सोच रही उसी बंदे ने उसको बचाया है ना, तो उसको सबक, उसको तो जाने दो, उसको तो ऊपर वाला सबक देगा। ऐसे लोगों के लिए ना एक तरीका है, क्या है ना, तुम्हारे घर के सामने बहुत जासूसी करेंगे, तुम उसके लिए कितना भी अच्छा करो, तुम उसके लिए अपनी जान निकाल के दे दो, लेकिन तो भी तुम्हारे ही घर में तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हारे ही घर में आके तुम्हारे साथ हरकत करेंगे, तुम्हारी हर इन्फॉर्मेशन, उनको उनको एक काम मिल गया है कि हर इन्फॉर्मेशन देना है तो देना है, भाड़ में क्या जो होगा देखा जाएगा, मतलब पागल में गिनती करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ना एक बहुत अच्छी सज़ा है, मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे लोगों के लिए ना ज़्यादा कुछ करो मत, मतलब दुश्मन अपने में परेशान है, मतलब पागल हो जाए, खून की उल्टी करे, जुलाब चालू हो जाए, लस्त चालू हो जाए, ऐसे कुछ करने के लिए एक तरीके, एक मैंने छोटा सा मंत्र लाया, बहुत अच्छा है। पहले तो आपको क्या करना है, एक काली मिर्च और राई ले लो। काली मिर्च मैंने उस काले ढोसे को देख के सजेस्ट किया कि काला चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, नज़र नहीं लगती है, तो मतलब क्या है ना, आपको पता नहीं हो, काला डोसा अपने आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझता है, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत है। वैसे ये सोचती हूँ कि जब शक्ल इतनी काली तो बाप रे, मतलब आगे बोलना ही गलत है उस इंसान के बारे में, तो मतलब इतना अपने आपको खूबसूरत समझ रहा है कि आदमी तो मतलब इंसान, मतलब अगर एक बार भगवान ने करे सुबह सुबह उसकी शक्ल देख लेना तो दिन भर लगता है खाना भी नसीब ना हो, ऐसा लगेगा क्या आज गंदा चीज़ देख लिया, जाने दो उसकी, मतलब है उसके सजेस्ट में मैंने काली मिर्च का सजेस्ट किया और पीली राई, तो ये गोरे और काले दोनों के लिए बराबर बैंड बजाने में है, उनकी मतलब बजा देंगे। और हाँ, कल की वीडियो पे से इतने लोगों को असर हो गया, देखो मैं तो कल एक छोटा सा गाना गाई अपने किसी खास बंदे को मैसेज भेजने के लिए, वो कहीं भी होगा तो सुनेगा, उसकी बिहार पे उसके बाद आधे घंटे बाद जो मुझे मैसेज पे कॉल पे कॉल कॉल पे कॉल आने लगे, बाप रे बाप, मुझे परेशान करने के लिए ज़बरदस्ती, तो मैं उससे डरती नहीं हूँ। क्या है ना, ये रेप वेप हो रहा है, ये लोग सुनेंगे नहीं, उनके लिए भी ये तरीका है, उनके लिए भी आप कुछ मत करो, क्या करो, पीली राई ले लो, काली मिरी ले लो, और पीली और राई, पीली राई और काली मिरी पे एक 101 बार, मतलब एक बार एक माला नादे अली पढ़ लो। नादे अली आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे आपको लिखी हुई मिल जाएगी, एक माला नादे अली पढ़ लो, और उसके साथ आपको एक मंत्र मैं बताती हूँ। अगर नादे अली नहीं आती किसी को, भाई कोई भी हिंदू है वो नहीं मुसलमान ही पढ़ेंगे, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा मंत्र बताती हूँ, ओम ह्लीम बगले धूम धूम धूमावती स्वाहा, ओम ह्लीम बगले धूम धूम धूमावते स्वाहा, ये वाला मंत्र मैं नीचे लिख दूंगी। इस मंत्र की ज़्यादा माला नहीं करनी है, तीन माला करिए, तीन माला करके उस राई और काली मिर्च पे दम करके रख दीजिए, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 दिन अपने घर के सामने डाल दीजिए। देखो, हम किसी घर के सामने डाल नहीं सकते, किसी घर के सामने डालेंगे तो अपने पर शक करें, क्योंकि हमें क्या पता हमारा दुश्मन कौन है, हमें तो पता नहीं है, तो उल्टा अपने घर के दरवाजे पर ऐसे डाल दीजिए, और रोज़ सुबह नहा धो के पूजा उठते समय बोल के डालिए, जो भी मेरे दुश्मन हो अब हे माँ तुम उसको देखो। तो जैसे ही आप डालोगे और जो भी तुम्हारे घर के सामने से जो तुम्हारा बुरा सोचते हुए गुजरेगा,
जैसे उसके चप्पल में या उसके पैरों में वो चीज़ गड़ेगी, लगी तो ज़रूर, और वो जैसे अपने घर पे जाएगा, घर पे आने के बाद कमाल जो होगा वो आपको दूसरे दिन पता चली जाएगा। मज़ा देखो फिर क्या होता है, मतलब ये बहुत पावरफुल। अभी क्या है, खाली बैठी हूँ तो काम तो ले नहीं रही हूँ, तो चलो जब तक मैं आप लोगों की ट्यूशन क्लासेस करती हूँ, रोज़ एक नया नया तरीका बता के रोज़ लोगों की बैंड बजाते, थोड़ा तो इंटरेस्ट आएगा ना। ये काम करो, आज संडे है, आज के दिन का खाली टाइम, क्योंकि आज संडे के दिन ये करना बहुत पावरफुल होता है। सैटरडे, मंगलवार, सॉरी शनिवार, रविवार, मंगलवार, ये तीन दिन अगर आप ये काम करोगे ना, आज के दिन मंत्र पढ़ के बहुत ज़्यादा एक्टिव होएगा, बहुत ज़्यादा, मतलब फिर मज़ा देखो, बोलने की ज़रूरत नहीं है, करके दिखाने में मज़ा है। आप ये करके काम देखो, फिर मज़ा देखो क्या होता है, वो बंदा खुद आके आपसे सॉरी बोल के माफ़ी मांगेगा, या तो फिर वो खुद ही में पागल रहेगा, मतलब वो खुद ही में बिजी रहेगा कि मैं अपने आप को कैसे ठीक करूँ, और जिसने उसको हायर किया रहेगा ना, वो उससे जाके लड़ेगा कि अगर मुझे कुछ है, मेरे बच्चों को कुछ हो, तो मेरे को छोड़ूंगी नहीं। सबकी पोल खुलनी चाहिए। अभी ऐसे लोगों को ऐसी सजा देनी, देखो हम उनसे लड़ेंगे भिड़ेंगे कोई मतलब नहीं, वो तो अपनी बाज आने वाले नहीं है, इससे अच्छा हम उनको ऐसी सज़ा देंगे, क्योंकि कितनी बार बोला है पंडितों से पंगा मत लो, हम तो मंत्रों के जरिए मार देते हैं। क्यों पीछे पड़ रहे हो, हमारे पास पूरा मंत्रों का खजाना है, पूरा बंडल पड़ा हुआ है, एक एक, अभी तो अभी एक एक हीरे मोती में निकालूंगी ना, तो ऐसे ऐसे बैंड बजेगी कि पता चलेगा, क्योंकि मैं तो कभी भी बुक लेके जाप करने बैठती नहीं, मुझे तो आधा कुरान पाक याद है, आधा माता जी के एक एक ऐसे, मेरा पूरा रावण संहिता याद है, मैं एक एक माला ऐसा बता दूंगी ना, एक एक चीज़ें ऐसी बताऊंगी ना, जो आप लोग हैरान हो जाओगे कि क्या, क्योंकि पूजा पाठ जो करता है उसको उसकी ABCD तक आनी ज़रूरी है। मुझे तो कहते ना, क ख का ओम कहाँ से स्टार्ट हुआ, वहाँ से लेके एंड तक, जन्म से लेके मरण तक का सब कुछ आता है। तो मैं चलो आपको सिखाती हूँ, बहुत सारे लोगों की इच्छा थी माँ कुछ सिखाओ, तो चलो इसी बहाने क्लासेस चालू करते हैं, और एक एक चीज़ सीखो और एक एक लोगों की बैंड बजाओ, मज़ा देखो कितना मज़ा आता है। पहले दुश्मनों से शुरू करते हैं। जय माता दी।